यस देवकी। सर, वी गॉट हिज लोकेशन और हम वहीं जा रहे हैं। व्हाट, आर यू मैड? तुम अच्छे से जानती हो वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। आई एम गोइंग टू सेंड यू अ बैकअप टीम, यू जस्ट वेट। सर, टीम को यहाँ पहुँचने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम 10 मिनट भी रुके तो हम उन्हें मिस कर देंगे। किशोर भी मेरे साथ है और हम लोकेशन के बिल्कुल करीब आ पहुँचे हैं। वी आर गोइंग इनसाइड, आई कॉल यू बैक। देवकी, कॉल द बैकअप टीम। सर, टीम रेड चैनल 1 पर। टीम रेड, वेयर आर यू? फाइनली तौसीफ की लोकेशन ट्रेस हो गई है। सब तैयार रहो, मैंने लैंडमार्क भेज दिया है। आई नीड ऑल द यूनिट्स ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। गो फास्ट, ज्यादा वक्त नहीं है। देवकी और किशोर पहले से ही स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अपडेट मी, ओके? भाईजान, सर मैं तौसीफ बोल रहा हूँ। सर, आपके लोगों ने मेरे घर पे हमला कर दिया है। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। उन्होंने मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। सर सर मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। सर मैं सरेंडर कर दूंगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। ओके ओके, मेरे पास सारे मैं इन्फॉर्म करता हूं। प्लीज सर। बट वन थिंग, अगर तुमने वहां से भागने की कोशिश की तो यू विल बी शॉट इमीडिएटली। हां सर, नहीं भागूंगा सर, नहीं भागूंगा। अब तौसीफ, तौसीफ, देवकी का कॉल कनेक्ट हुआ कि नहीं? व्हाट्स हैपनिंग देयर? सर, देवकी का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। कॉल अगेन, कीप ट्राइंग। Thank you.
देवकी ऑनलाइन है सर। देवकी सर, तौसीफ अप्रूवर बनने के लिए रेडी हो गया, जस्ट टेक हिम इन द कस्टडी। सर प्लीज, आप इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए, ही इज ट्राइंग टू फूल अस। ये मेरे सामने है सर, वी मस्ट किल हिम सर। देवकी लिसन, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो उसके पूरे नेटवर्क पर हमारी पकड़ होगी, जो कि वास्तव में हमें चाहिए। सो प्लीज ब्रिंग हिम हियर, डू यू अंडरस्टैंड? हम लोग उसे कई सालों से ढूंढ रहे हैं सर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा सर। सर लेट मी किल हिम। हेलो देवकी, हेलो देवकी, ये गोली की आवाज कैसे? हेलो हेलो देवकी, हेलो, कैन यू हियर मी? देवकी, मुझे बचा लीजिए सर, इसने अपने साथ वाले एजेंट को मार दिया सर, मैंने अपने सारे एविडेंस इसे दे दिए हैं सर, अब ये मुझे मारना चाहती है सर। सर मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर, सर सर बचा लीजिए। या एजेंट किशोर इज डाउन, आई रिपीट, एजेंट किशोर इज डाउन। Police is here. सर, देवकी किशोर की हत्या करके फरार हो गई। What? We missed her. हेलो सर, मैं देवकी। देवकी, ये सब क्या हो रहा है और एविडेंस कहाँ है और तुमने किशोर को क्यों मारा? सर, किशोर को मैं कैसे मार सकती हूँ? He was my husband, my partner. बैकअप टीम मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही है? देवकी, वेयर आर यू? सर, मैं स्पॉट पर हूं। वो सेफ जोन नहीं है, तुम वहां सेफ नहीं हो। अगर तुम पकड़ी गई तो हमारे अंडरकवर ऑपरेशन के साथ साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो जाएगी। सो जस्ट लिसन टू मी, सेंड मी योर लोकेशन, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए एक टीम भेजता हूं। कम टू सेफ हाउस, आई विल हैंडल दिस। What the hell happened? तौसीफ और किशोर को आखिर मारा किसने? पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? काशी, मेरी कंप्लीट आइडेंटिटी को इरेज कर दो। देवकी, देवकी मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, इसे खाना कहते हैं क्या? ऐसे सर्व करते हो? हाँ? ना ये गर्म है ना ही स्पाइसी सर, है। सर, एक मिनट सर, क्या हुआ सर?
तो आप यहाँ की ओनर है? जी हाँ सर, बताइए आपके यहाँ क्या इस तरह का खाना मिलता है? हम यहाँ अच्छा खाना खाने की उम्मीद जाते हैं। शायद इसे खाना पसंद नहीं आया, एक तो अपने फोन पे बिजी था और इसका खाना ठंडा हो गया, अब हमें बोल रहा है। मैं यहाँ कोई फ्री में खाना खाने तो आया नहीं, पैसे तो दूंगा ही आपको। जरा तमीज से बात करो। हाँ, हर कोई यहाँ पर खाने के लिए पैसे देता है, तुमने कोई पहली बार नहीं दिया है? ये क्या तरीका है कस्टमर के साथ पेश आने का? जब खाना अच्छे से सर्व नहीं कर सकते तो कैफे खोला क्यों? हमें बताने की कोशिश मत करना क्या सही और क्या गलत। पूरी प्लेट खाने के बाद तुम्हें पता चला कि खाना खराब बना है? मेरा दिमाग घुमाना तो ऐसा मारूंगी कि सारा खाना बाहर आ जाएगा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं, समझ गई ना? सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए सर, प्लीज। माया तुम प्लीज चुप रहो, जाओ जाओ मिस्टर, और एक और कंप्लेन रजिस्टर करवाना कि लड़की ने मुझे मारकर मेरा सर फोड़ दिया। टकला कहेगा आत्या। लाना तो तुम्हारे खाने पे और तुम्हारे कैफे की सर्विस पे भी, कस्टमर की इज्जत करना भी नहीं आता सर। और यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। माया प्लीज शांत हो जाओ। अरे माया, मैंने एक बार कहा ना तुमसे शांत हो जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, जस्ट गेट आउट। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें मेरी ही गलती निकालती हो माया, ये सारे कस्टमर मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? आई हेट यू माया, I just hate you. किसी को मेरी नहीं पड़ी। क्या हुआ आद्या? चलो निकलो यहाँ से। तू हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? पूनम थोड़ी देर चुप रहेगी? ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आज मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। आदिया कोई नई बात है क्या? छोड़ ना, जाने दे, तू यही खड़ी रहना। तुझे क्या लगता है, तूने मुझे डांट दिया तो मैं डर जाऊंगा? तू देख रही है ना मेरे साथ कौन कौन है, अब बता। अरे भाई हा? ये वही लड़की है क्या जिसने तुम्हें मारा था? एकदम आइस कैंडी की तरह दिखती है। ओ, अच्छा ऐसा क्या? ये तुम लोगों ने किया, तुम ही देखो। अरे रुक ना भाई। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। ऐसे घूर क्या रहा है? आंखें निकालूंगी तेरी। ए रुक। अबे छोड़ ना उसे, अबे जाने दे। ये तो गया काम से। हे आद्या देखो, झगड़े की शुरुआत तुमने की थी, ये ठीक नहीं है। हाँ क्या कर लेगा तू? हाँ रुक ना उसे, रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक, मैं बोल रही हूँ ना, रुक जा। भाग जा, भाग जा। रुक जा, कहाँ जाएगा तू बच के? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और भागेगा? नहीं, मुझे क्या कर रही हो? मुझे घूरना। छोड़ो। काम करने की बजाय यहाँ बैठे बैठे हंस क्यों रहे हो? मुझे बाद में डांटिएगा, अपनी बेटी को देखिए। लाओ दिखा मुझे। ये देखिए कॉलेज में लड़कों को मार रही है। घूर के दिखा। हेलो। हाँ सर, एक मिनट सर, देता हूँ, ये लीजिए फोन है। घूर के दिखा। प्रिंसिपल का है। हेलो। मुझे घूरेगा? छी छी, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े शर्म की बात है हमारे कॉलेज के लिए। ए, दूसरी साइड घूम, वरना तेरी ये आंख भी वैसी ही कर दूंगी। देखो तो जरा, प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के भी कैसे जबान चला रही है, शर्म नहीं है बिल्कुल। ए, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इससे मार खाने में? पिट के आ गया इससे, छी, अपने बाप पे गया है बिल्कुल। इसने कब मारा? देखिए, ये एक कॉलेज है, कोई गली मोहल्ले का सब्जी मार्केट नहीं है ये। चिल्लाना है, झगड़ा करना है तो ऑफिस के बाहर जाइए आप लोग। सर हाँ, आइए माया जी। वाह, क्या शानदार परवरिश की है अपनी बेटी की, देखो कैसे मारा है इसे। इतना भी नहीं सोचा कि क्लासमेट है उसका। क्या बात है सर, एक माँ होने के नाते आपको इतना भी नहीं पता बेटी को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है? क्या बहन जी, बेटी को कैसे कंट्रोल करना है आपको पता नहीं है क्या? प्लीज शांत हो जाइए, आप अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं और बेचारी इस बच्ची को बोले जा रहे हैं। आपके बेटे ने होशियारी दिखाने की कोशिश की, इसीलिए बच्चे ने उसका मुंह तोड़ दिया। स्टॉप इट, तुम जैसे लोगों की वजह से ही कॉलेज का नाम खराब होता है। तुम्हें ना, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा तभी अकल ठिकाने आएगी। सर प्लीज सर, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए सर। ये सच है कि इन्होंने गलती की है, पर फिर भी इन्हें निकालिए मत सर, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर। इसने जो गलती की है माया, इसके बारे में मैं इसे समझाऊंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। प्लीज सर। ओके ओके, इस बार मैं माया के कहने पे छोड़ रहा हूँ,
लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी दोबारा हुआ तो सीधा सस्पेंड कर दूंगा और उस समय मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, समझ गए? जाइए आप लोग। थैंक यू सर। अरे बाप रे, आज लेट हो गया, आज तो मेरी खैर नहीं। अरे पागल है क्या? सॉरी मैं। आओ माया, बैठो। आदिया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक कि तुम रोज किसी से लड़ नहीं लेती। क्या तुम अच्छे से नहीं रह सकती? अच्छा, पर मैंने ऐसा क्या किया माया? आज सुबह कैफे में झगड़ा कर चुकी हो, पूरा काम चौपट किया, और अब कॉलेज में इस तरह लड़कों के साथ लड़ाई करके तुम अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रही हो। अब मैंने जानबूझकर ये सब थोड़ी ना किया माया। जस्ट शट अप। तुम अब बच्ची नहीं हो, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्यों इमोशनल हो रही हो माया? मुझे कुछ नहीं हो सकता है, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ मैं, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो, जब तुम छोटी बच्ची थी तभी मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया था। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने काफी मुश्किलें सही है, काफी बुरे दिन देखे हैं, और उन दिनों में सबसे लड़ने के लिए मैं बिल्कुल अकेली थी। उन दिनों से लेकर आज तक कितनी परेशानी झेलते हुए न जाने कितने शहर तुमको साथ लेकर भटकती रही। तो मतलब आप भी मुझसे यही उम्मीद करती हो कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह यंग एज में शादी कर लूं? मुझे मेरे हिसाब से जीने दो माया, तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश मत करो। और हाँ, खाली टाइम में मैं जाके कैफे में बैठूं ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं लड़की हूँ तो मुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा? जस्ट गिव मी अ ब्रेक। अब मुझसे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी माया, आई एम सॉरी। देखो मैं भी नहीं खाऊंगी फिर। हाँ माया, माया क्या मुझसे अभी तक नाराज हो? मैंने कहा ना अब ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, प्लीज माया बात करो। देखो माया, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ ये सब छोड़ो और मुझसे बात करो, वरना तुम मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो। मैं तुमसे इतने देर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बिल्कुल शांत हो। मैं इतनी बेकार हूँ क्या? मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है? अगर एक बार माफ कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अब जब तक मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं सॉरी कहती रहूंगी। सॉरी 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 सॉरी। ओके 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 ओके, बस करो बस करो। सॉरी तुम आद्या, क्या फिर से कोई डरावना सपना देखा? माया, फिर से वही सपना। इसलिए कहती हूँ देर रात तक हॉरर फिल्म मत देखा करो, चलो अब सो जाओ। Electric charge of a body is quantized and this means that only integral Madam, number... Yes? आद्या को प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। आद्या, खड़े हो जाओ। आज तो गई है। अब क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों बुलाया है? मुझे कैसे पता? अरे जल्दी करो, लंच का टाइम हो रहा है। हाँ सर, आती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। ओहो, आद्या, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ आद्या, लंच कर लिया? हाँ सर।
सर क्या आपने मुझे बुलाया था? अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा बैठो तो सही। थैंक यू। हाँ बैठो। मैडम ये है आद्या, हमारे कॉलेज की बहुत ही होनहार, ब्राइट और बोल्ड स्टूडेंट है ये। हेलो आद्या। हेलो। इनफैक्ट हर साल क्लास में टॉप करती है। ये सब कल माया के सामने कहा होता तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं करती। आद्या सर, मालती शर्मा है ये, महिला शक्ति के लिए काम करती है। बैंगलोर से केवल तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आई है बेटा। तुमने नोटिस किया तुम कितनी जल्दी फेमस हो गई लोगों के बीच में? इंटरव्यू वो भी मेरा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? आद्या तुम्हारे कॉलेज का इंसिडेंट का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। हाँ तो? तो बस तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। ये इंटरव्यू वगैरह माया को पसंद नहीं आएगा, अगर माया को पता चलेगा तो। माया की फिक्र मत करो, उनसे क्या कहना है वो मैं देख लूंगा, तुम बस इनके सवालों का जवाब दो। आप इसी से पूछिए मैडम, ये जवाब देगी। ओके फाइनली। आद्या अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। मेरा नाम आद्या है, मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। मेरा घर बेलपाड़ी में है। वो सब मुझे पता है, अपने फैमिली के बारे में बताओ। माया और मैं, बीच साइड में हमारा एक छोटा सा कैफे है। बट ये माया, सॉरी माया मेरी माँ का नाम है, मैंने उन्हें कभी भी माँ कहकर नहीं बुलाया, हमेशा नाम से ही बुलाती हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओह इंटरेस्टिंग। सॉरी बट योर डैडी? मैं छोटी थी तभी वो हमसे दूर चले गए, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो नहीं है, क्योंकि माया ने मुझे दोनों का प्यार दिया है। वो मेरी हरकतों को, मेरी शरारतों को सब कुछ सहन करती रहती है। शी इज अ कंप्लीट लेडी। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका एक ही रीजन है। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर माया को भी बुलाते हैं ना, उसका भी इंटरव्यू कर लेते हैं। क्या माया? नहीं नहीं मैडम, मैं इंटरव्यू के लिए इसलिए रेडी हुई क्योंकि इससे हेल्प हो जाएगी। माया को पता चलो तो मैं गई। मैंने कहा ना माया से मैं बात कर लूंगा, तुम चिंता छोड़ो उसकी। तुम नहीं सर प्लीज माया। ओके कम से कम हमें उसका एक फोटो तो दे दो, हम पेपर में ये छापेंगे कि तुम उसकी बेटी हो और उनके लिए ये एक सरप्राइज होगा एंड शी विल बी प्राउड ऑफ यू। एक मिनट। कोई बात नहीं, फोन यूज कर सकती हो। ओके सर। एक भी ढंग की पिक्चर नहीं है। अब बस एक मिनट। हाँ ये लीजिए। कोई रीसेंट फोटो नहीं मैडम, मेरे पास बस यही है मैडम, आपको चाहिए तो रखिए वरना ये मुझे वापस दे दीजिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओके लेट्स कंटिन्यू। साना तुम घर नहीं जाओगी क्या? या जस्ट 2 मिनट्स। ओके ऑल राइट सी यू टुमारो। गुड नाइट सी यू टुमारो। अभी तक नहीं सोई क्या? मैं जाग रही हूँ, तुम सो जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
हाय सहाना। हाय। साना, तुरंत एक टीम भेजकर उसको अरेस्ट करो। उसे यहाँ लेकर आओ, फिर उसका इंट्रोगेट करते हैं। वो बहुत ही खतरनाक और शातिर है। और एक जरूरी बात, नो एक्शन, वी नीड हर अलाइव। डू इट फास्ट एंड कीप मी पोस्टेड। चीफ, वी फाउंड हर। यस सर, थैंक यू। लोकेशन ट्रैक करो। यस मैम। मैम, लोकेशन। इस लोकेशन में हमारे कितने एजेंट एक्टिव हैं? लेट मी चेक मैम, वन सेकेंड। क्विक क्विक। मैम, वी हैव अल्फा टीम। परफेक्ट, कनेक्ट मी टू देम। मैम, चैनल टू। अल्फा टीम, वी हैव अ सिचुएशन, सस्पेक्ट स्पॉटेड। सस्पेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स एंड लोकेशन भेजो। रिमेंबर, हमें सस्पेक्ट जिंदा चाहिए। आई रिपीट, वी नीड हर अलाइव। कीप मी पोस्टेड। सिक्योर द लोकेशन और मुझे हर मिनट हर एक मूवमेंट की खबर चाहिए। वेलकम सर, कितनी टेबल लगाऊं? माया कहाँ है? माया अंदर है, आप बैठिए ना सर, मैं सर्व करती हूँ। नहीं, माया कहाँ है? पहले उसे बुलाओ। माया, माया, प्लीज बैठिए ना सर, वो अभी आती है। कुछ कस्टमर्स आए हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें सर्व करो। मैं सर्व करूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? मैं कौन सा उन्हें जहर दे दूंगी? दिमाग शांत रखो, रेगुलर कस्टमर होंगे, मैं देख के आती हूँ। आइए सर, बैठिए ना। यू आर अंडर अरेस्ट, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं? पर मैंने किया क्या है? हम यहाँ कुछ भी नहीं बता सकते हैं मैडम, यू हैव टू कम विद अस। सर, आपको जरूर कोई कन्फ्यूजन हुआ? कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, दैट्स इट। माया, मुझे लगता है इन सब के पीछे संतोष है। मैंने उसे कॉलेज में सबके सामने मारा था ना, इसीलिए बदला ले रहा होगा। आदिया, शट अप। देखिए सर, मैं यहाँ तकरीबन 4 साल से कैफे चला रही हूँ। आई हैव अ गुड रेपुटेशन। सारे कस्टमर्स देख रहे हैं सर। देखिए मैडम, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगी तो हमें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। प्लीज डोंट फोर्स अस। ओके सर, मैं आपके साथ चलती हूँ। बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी कैफे बंद करके आती हूँ। स्टेशन यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। नो मैम, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप हमारे साथ चलेंगी या नहीं? नो सर, मैं आपके साथ कम्फर्टेबल नहीं हूँ। ना ही आपके पास अरेस्ट वारंट है और ना ही कोई लेडी ऑफिसर है। और मैंने क्या गलती की है ये भी आप नहीं बता रहे हैं। आप ऐसे कैसे मुझे अरेस्ट कर सकते हैं? जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगी। मतलब तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। माया, अभी तुम्हें वारंट देखना है क्या? Ah!
ये गन अपने पास रखो, अगर कोई भी आए तो सीधे शूट कर देना, ओके? माया, come fast. मिल गई क्या? नहीं, बच के निकल गई। मैंने ये सुनने के लिए फोन नहीं किया था, समझे? ठीक है, मैं ढूंढता हूँ उसे। चाहे कुछ भी हो, हर हाल में उसे ढूंढना है, और अगर कोई भी एविडेंस मिले तो उसे शेयर करना। अब इनका क्या करूं? क्या करना है क्या नहीं ये तुम्हें पता है। मैडम, yes, go ahead. लगता है हमारे यहाँ आने से पहले कुछ इंसिडेंट हुआ है। वो यहाँ से भाग गई। What? How is it possible? Not sure, ma'am. Oh my God. मैं आपको लोकेशन क्लिप भेजता हूँ मैम। लेकिन वो बच के कैसे निकल गई? All right, give me a moment. Okay, ma'am. Play the visuals. Oh no. सर, मुझे एक हार्ड डिस्क मिला है। मैम, एक मिनट। हमें सीसीटीवी का हार्ड डिस्क मिला है। Immediately मैं आपको इसकी फुटेज भेजता हूँ। Keep me posted. Sure. Find her quickly. What's happening? Sir, we have a situation. हमने उसे मिस कर दिया सर। हमारी टीम के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने चारों को मार दिया और वहाँ से फरार हो गई है सर। Sir, these are the location clips. Oh my God. वो कितने खतरनाक है ये जानते हुए भी बिना मेरी परमिशन के तुमने टीम क्यों भेजी? हाँ? इतनी जल्दबाजी क्यों की?
सर हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है सर। पर रजाक ये कोई नया केस तो नहीं है ना, तुम्हें पता नहीं है कि जल्दी में क्या करना चाहिए? यू कैन प्लान इट बेटर। जोश में आकर कुछ भी करते हैं। मैम सीसीटीवी फुटेज। सर वी हैव सीसीटीवी विजुअल्स। पॉप इट अप। रजाक कॉल फॉर अ टीम ब्रीफिंग इमीडिएटली, इट्स एन इमरजेंसी, और इस केस की सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर लेकर आओ। यस सर। और प्रताप कहाँ है? सर कॉल हिम एंड फाइंड आउट वेयर ही इज। ही इज द राइट पर्सन टू हैंडल दिस, एंड प्लीज टेल हिम इट्स एन इमरजेंसी। ओके सर। तुम लोग दो हो और मैं अकेला हूं। यह मैटर नहीं करता है कि मैं कितनी तेज गोली चलाऊं, तुम में से एक तो मुझे मार ही देगा। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक फाइट कर लेते हैं। हाँ? और अगर तुम मुझे मार देते हो तो यू आर फ्री टू गो, और अगर तुम हार गए सो यू शुड सरेंडर। बोलो क्या बोलते हो? ओके ना? ओके ना? अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से फाइट करूंगा? दोबारा आप लोगों से मूवी बनाने के नाम पर ठगी करोगे? तुमने जितना पैसा अभी तक चुराया है उससे भी ज्यादा का पेट्रोल मुझे तुम दोनों को ढूंढने में लग चुका है। चलो तैयार हो जाओ। ये गन तो नकली है सर। हाँ, 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 सर, सर। नकली सर। हाँ, हाँ, सर, सच, सच कह रहा हूँ। नकली है क्या? हाँ, सर, हाँ, सर, हाँ। हाँ। हेलो सर, इट्स एन इमरजेंसी, चीफ ब्रीफिंग के लिए बुला रहे हैं। ओह इमरजेंसी। अच्छा अभी एक बढ़िया चाय और बिस्किट मुझे ऑफर कर सकती हो? सर पहुंच रहा हूं मैं। ओके सर। तैयार हो जाओ सर। हाँ वे आयु देवकी। मैडम क्या ये आप ही हैं? ए शिवन्ना तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता है इसकी लड़की ने अपने साथ बदतमीजी करने वाले लड़के को अच्छा सबक सिखाया। आजकल की लड़कियों को ऐसी होना चाहिए, तभी तो हमारे यहाँ लड़कियों पर अत्याचार होना अपने आप कम हो जाएगा। समाज को ऐसे सबक की जरूरत है, क्या कहते हो शिवन्ना? हाँ क्यों नहीं। अरे क्या हुआ? किससे पूछा था तुमने इंटरव्यू के लिए? क्या जरूरत थी मेरे बारे में ये सारी बातें करने की? इंटरव्यू? मेरे इंटरव्यू से इन सब चीजों का क्या लेना देना? अच्छा ऐसा क्या हो गया ये आर्टिकल छपने से कि ये सारे लोग आपके पीछे पड़ गए? आखिर ये सब क्या चल रहा है माया? यू जस्ट केयर द कॉप्स। दे आर नॉट कॉप्स। उनमें से कोई पुलिस वाला नहीं था और ना ही वो मुझे अरेस्ट करने आए थे। वॉट, उनमें से कोई पुलिस वाला नहीं था? उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो सारे फेक आईडीज, और ना ही अरेस्ट वारंट था और ना ही उनके साथ कोई लेडी ऑफिसर। पुलिस स्टेशन से हमारे कैफे पहुंचने में केवल एक घंटे का वक्त लगता है, और सबसे खास बात थी उनके पास जो हथियार थे वो इट वॉज नॉट गवर्नमेंट अप्रूव्ड। ये सब जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू कीप मूविंग, कम गिव मी योर फोन। माया फोन? फोन। हेलो गाइस। हेलो सर। हेलो सर। जल्दी जल्दी आया फिर भी लेट हो गया। वी हैव अ सिचुएशन।
इसका नाम है देवकी, हमारे डिपार्टमेंट की ट्रेंड की भी सबसे बेहतरीन और जाबाज अंडरकवर एजेंट में से एक। बैच नंबर 785, ट्रेंड फॉर ऑल एक्सट्रीम सिचुएशन। इसने हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट। बट थिंग्स चेंज्ड। कुछ साल पहले यह एक केस हैंडल कर रही थी जिसका टारगेट था तौसीफ, जो कि हमारे डिपार्टमेंट की हिट लिस्ट के सबसे टॉप क्रिमिनल्स में से एक था। बहुत सारे अनजान अकाउंट्स से इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, और ये सारे पैसे वो बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए उन तक पहुंचाना चाहता था। 2002 गोवा ब्लास्ट, 2003 जनवरी नागपुर ट्रेन ब्लास्ट, 2003 जुलाई दिल्ली ब्लास्ट। बिहाइंड द ऑल दैट ही इज द मास्टरमाइंड। इन सब गतिविधियों के लिए यही फंड्स अरेंज किया करता था, लेकिन हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। वी हैड ओनली वन ऑप्शन। तौसीफ के पास पूरा डेटाबेस था, किस अकाउंट से कितने पैसे कब कहां भेजे गए और किस संगठन को भेजे गए हैं, इसकी सारी जानकारी उसके पास ही थी। और हमारे हाथ में वो डेटाबेस लगना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए हमने वो केस देवकी को सौंप दिया। तौसीफ की लोकेशन को ट्रेस करने के बाद जब हम उसे पकड़ने वाले थे, तभी वो समझौता करने के लिए तैयार हो गया, और हम भी यही चाहते थे। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को बाद में एक अलग ही सरप्राइज मिला। तौसीफ, जो पहले ही समझौते के लिए राजी हो गया था, उसे मारकर उसके साथ एक फील्ड एजेंट को भी मार डाला, और सारा डेटाबेस अपने साथ लेकर और सारे सबूत भी देवकी अपने साथ लेकर भाग गई। पर ये यहीं खत्म नहीं हुआ। वो एजेंट जिसे देवकी ने मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति किशोर था, हमारे डिपार्टमेंट का एक और जाबाज एजेंट। हमारे पास जो एविडेंस है सारे उसके खिलाफ है। उसे प्ले करो। हेलो हेलो देवकी, हेलो हेलो। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो उसके कैफे से मिला था। तो कोई सवाल? सर, यस प्रताप, डाउट, वी आर मिसिंग समथिंग। हमारे टीम के वहां पहुंचने के पहले ही कोई वहां पहुंचकर उन पर हमला करता है, और हमें जो लोकेशन की जानकारी मिलती है वो किसी और को कैसे मिलती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी तीसरे आदमी ने उनके सर पर शूट किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रताप, जो डेटाबेस देवकी के पास है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वो बस हमारे डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे अंडरवर्ल्ड ग्रुप्स को भी उस डेटाबेस की जरूरत है, और उसके पीछे जाने वाला इट कुड बी एनीबॉडी, या फिर हमारी तहकीकात को डाइवर्ट करने के लिए उसने खुद ही यह प्लान बनाया। अब हमें किसी भी कीमत पर वो डेटाबेस चाहिए। ऑलराइट, जरा फाइल देना। ये रही उसकी फाइल। प्रताप, ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। सहाना विल असिस्ट यू। प्रताप, कीप अस पोस्टेड। इट्स एन ऑनर टू वर्क विद यू सर। हाँ, ओके सर। योर नेक्स्ट मूव? सर, चीफ ने कहा कि इमरजेंसी केस है, फिर भी आप इतने कूल कैसे लग रहे हैं? ये सच है कि हमें काम का टेंशन होना चाहिए, पर जब हमारे अंदर पहले से टेंशन चल रहा हो तो पहले उसे रिलीज करना चाहिए। हमारे वहां पर जाने से पहले सारी लोकल एजेंसीज को कॉल करके उसके बारे में एक डिटेल कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करवाओ। क्या हुआ? मैं सीरियसली कह रहा हूँ। Oh, yes, it's an emergency. Yes, शिवन्ना, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, आइए सर, क्या चाहिए? ये तो यहाँ आई थी सर, और चली भी गई, इसी रास्ते से गई है।
थी तुम? They found us. देवकी? अब ये देवकी कौन है? सर अल्फा टीम. हेलो सर. हेलो. कम कम. डिटेल्स? सर हमने हर जगह पता किया. हमारे पास जो जानकारी आई है उसके हिसाब से उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. सर हमने होटल स्टाफ, कस्टमर, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है सर. सब उसके बारे में अच्छा ही बता रहे हैं सर. किसी ने कुछ गलत नहीं बताया सर. और उसकी बेटी? सर हम उसके कॉलेज गए थे और उसके घर को भी सील कर दिया है, पर वहां से कोई इन्फॉर्मेशन या क्लू नहीं मिला सर. ठीक है, लेट्स गो. ठीक है सर. मुझे एक घंटे में उनके कॉलेज डिटेल्स चाहिए. ओके सर. विल डू दैट. अंकल, कल मैंने माया का जो रूप देखा था वो हमेशा से बिल्कुल ही अलग था. ये सब क्या हो रहा है अंकल? ये देवकी कौन है? देवकी? कुछ साल पहले देवकी का बस नाम ही काफी था. She was the best intelligent undercover field agent. Undercover agent? माया? हमारी माया? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? She was the best. और तुम्हारे पिता भी? मेरे पिता भी एजेंट थे. क्या हुआ था उनके साथ? इन दोनों के हाथ में एक बड़ा केस था. उस केस का टारगेट था तौसिफ. एक दिन उसके घर पे अटैक हुआ और उस अटैक में तुम्हारे पिता की मौत हो गई. वो ऑन द स्पॉट मर गए. जिम्मेदार देवकी को माना गया. उसे मना किया गया था कि इस तरह से अपनी लाइफ को खतरे में मत डाले, लेकिन उसने उस दिन से जो उसने तुम्हारे साथ भागना शुरू किया, बेचारी आज तक भाग रही है वो. असल में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था अंकल? मुझे अच्छे से याद नहीं है कि आखिर उस दिन वास्तव में हुआ क्या था. ये भी नहीं पता कि उसने आखिर किया क्या. इस छोटी सी जिंदगी में उसका कोई मकसद नहीं. वो तो बस इसलिए जी रही है कि तुम उसके साथ हो. वो तो बस एक बेहतरीन जिंदगी तलाश रही है. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अंकल. जल्दी से तैयार हो जाओ. ओके बेटा. ठीक है. हेलो हेलो, मैं आद्या बोल रही हूँ. आद्या? आद्या कहाँ है तू? और ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता चला कैफे में कुछ हुआ है. पुलिस घर पे आई थी और पूछताछ करने के लिए कॉलेज भी गई थी. उन्होंने तुम्हारा घर भी सीज कर दिया. What the hell is happening, आद्या? अरे अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है और मैं एकदम ठीक हूँ. अच्छा सुन, मैं एक बात बताऊँ. मेरी माँ अंडरकवर एजेंट है. क्या?
आंटी और अंडरकवर एजेंट। अरे हाँ, और मुझे भी ये आज ही पता चला है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, और पुलिस भी हमारे पीछे ही लगी हुई है। तो एक काम कर, चेक करके बता सब कुछ ठीक है या नहीं। वैसे तू है कहाँ आदिया? तेरा नंबर भी नहीं लग रहा है। पता है मैंने कितनी बार कॉल किया तुझे? हमारे पास कोई फोन नहीं है बाबा। हम यहाँ माया के फ्रेंड के यहाँ आए हैं, और ये नंबर भी उन्हीं का है। पर आदिया ये सब क्यों? हाँ आ रही हूँ। अच्छा सुन, Listen. माया मुझे बुला रही है, मैं ही तुझे बाद में कॉल करूंगी। हाँ इस नंबर पे कॉल मत करना। ओके बाय 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 बाय। ओके बाय। सर आपने जैसा कहा मैंने किया, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हाँ सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ये कॉल ट्रेस तो हो गया ना? यस सर। सर लोकेशन ट्रेस हो गई है सर। ट्रेस किया गया नंबर काशी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है कि वो बच के निकल जाए? हेलो अल्फा कॉलिंग, टारगेट की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। देवकी, क्या हुआ? हमारे पास और कितना टाइम है? नंबर 35R2 माउंट हिल रोड थर्ड क्रॉस। आई रिपीट, नंबर 35R2 माउंट हिल रोड थर्ड क्रॉस। ऑल यूनिट रीच द लोकेशन। जब भी इमरजेंसी होती है तो ऐसा ही होता है। इससे अच्छा तो मैं फ्लाइट ले लेता। उससे पूछो कि क्या कोई और रास्ता है। सर ये गाड़ी खराब है और दूसरी गाड़ी जाने के लिए जगह भी नहीं है। तो फिर वहां क्या कर रहे हो? जल्दी चलो आओ।
मुझे अब सच में बहुत डर लग रहा है। ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, वो भी उसके लिए जो सालों पुरानी बात है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, हमारे लिए नहीं। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी ये सब क्यों? इस तरह की चीजें होती रहती हैं, पर फिर भी मैंने हर तरीके से सब कुछ ठीक करके मैनेज करने की पूरी कोशिश की। देखो, मैं नहीं चाहती उन लोगों की नजर तुम पर पड़े। माया, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों ने पुलिस को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? जबकि आप कह रही हो कि आप एक एजेंट हो, then why can't you take their support? अगर ये सब कुछ इतना इजी होता तो हम लोगों को इतने सालों तक इस तरह छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया है माया? क्या तुम अब एक एजेंट नहीं हो? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपकी टीम ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? पहले तो उन्होंने मेरे पिता को मार डाला और अब वो आपके पीछे पड़े हैं। आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही है और मुझे जानने का हक भी नहीं है क्या मैं आपकी बेटी हूँ? कम ऑन माया, अब मैं सच जान कर ही रहूंगी। देवकी, आद्या कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे जो कुछ बताना चाहती हो बता दो, कम से कम उसे जानकर शांति मिलेगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। प्लीज देवकी, आखिर और कितने सालों तक तुम सब कुछ छुपाती रहोगी? जब तुम्हारे पिता और मैं एजेंट थे तब हम लोग एक बहुत ही जरूरी केस पर काम कर रहे थे। उस केस को मैं हैंडल कर रही थी। हमारे उस केस में हमारा टारगेट था तौसिफ। तौसिफ एक पेशेवर बैंक माफिया था। पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिससे कि ये बात साबित हो सके। देवकी, इसके पास वो सब जो हमें चाहिए। हैंडल हिम केयरफुली। तौसिफ कहाँ है बताओ, बताओ। तभी हमें काशी की तरफ से एक लीड मिली। बोलो। देवकी, तौसिफ की लोकेशन का पता चल गया। आई एम सेंडिंग यू द लोकेशन। वो हमें उस वक्त अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बड़ी जानकारी भेजने वाला था। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कलहम, उस दिन हमें उसे हर हालत में रोकना था, नहीं तो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाने की उसकी पूरी तैयारी। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वी हैड टू ट्रैक हिम एंड टर्न हिम डाउन। लेट्स गो। देवकी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? What do you mean? मेरा मतलब, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। Yeah, I know your capacity and your ability, but इस समय हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। My country, my duty, and my Kishore. इन तीनों के बीच में कोई आएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। नो कॉम्प्रोमाइज। यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो कैसे करती? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इसी तरह से मेरे साथ हमेशा रहोगे। ओके, सबसे पहले चीफ को कॉल करो, उन्हें टेंशन हो रही होगी। ओके। यस देवकी। सर, वी गॉट हिज लोकेशन और हम वहीं जा रहे हैं। व्हाट, आर यू मैड? तुम अच्छे से जानती हो कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। आई एम गोइंग टू सेंड यू अ बैकअप टीम, यू जस्ट वेट। सर, टीम को यहाँ पहुँचने में कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम 10 मिनट भी रुके तो हम उन्हें मिस कर देंगे। किशोर भी मेरे साथ है और हम लोकेशन के बिल्कुल करीब आ पहुँचे हैं। We are going inside. I'll call you back. देवकी, call the backup team. सर, टीम रेड चैनल 1 पर। टीम रेड, वेयर आर यू? फाइनली तौसीफ की लोकेशन ट्रेस हो गई है। सब तैयार रहो, मैंने लैंडमार्क भेज दिया है।
आई नीड ऑल द यूनिट्स ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। गो फास्ट, ज्यादा वक्त नहीं है। देवकी और किशोर पहले से ही स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अपडेट मी, ओके? भाईजान, सर मैं तौसीफ बोल रहा हूँ। सर आपके लोगों ने मेरे घर पे हमला कर दिया है। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। उन्होंने मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। देव की, मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। सर मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। सर मैं सरेंडर कर दूंगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। ओके ओके, मेरे पास सारे मैं इन्फॉर्म करता हूं। प्लीज सर, बट वन थिंग, अगर तुमने वहां से भागने की कोशिश की तो यू विल बी शॉट इमीडिएटली। हां सर, नहीं भागूंगा सर, नहीं भागूंगा। अब तौसीफ, देवकी का कॉल कनेक्ट हुआ कि नहीं? व्हाट्स हैपनिंग देयर? सर देवकी का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। कॉल अगेन, कीप ट्राइंग। देवकी ऑनलाइन है सर। देवकी सर, तौसीफ अप्रूवर बनने के लिए रेडी हो गया। जस्ट टेक हिम इन द कस्टडी। सर प्लीज, आप इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए। ही इज ट्राइंग टू फूल अस। ये मेरे सामने है सर, वी मस्ट किल हिम सर। देवकी लिसन, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो उसके पूरे नेटवर्क पर हमारी पकड़ होगी, जो कि वास्तव में हमें चाहिए। सो प्लीज ब्रिंग हिम हियर, यू अंडरस्टैंड? हम लोग उसे कई सालों से ढूंढ रहे हैं सर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा सर। सर लेट मी किल हिम। हेलो देवकी, हेलो देवकी, ये गोली की आवाज कैसे? हेलो हेलो देवकी, हेलो कैन यू हियर मी देवकी? हाँ
देवकी, what's happening there? देवकी, देवकी, answer me. देवकी, देवकी, talk to me. Can you hear me? सर, सर मुझे बचा लीजिए सर. इसने अपने साथ वाले एजेंट को मार दिया सर. मैंने अपने सारे एविडेंस इसे दे दिए हैं सर. अब ये मुझे मारना चाहती है सर. सर मुझे बचा लीजिए सर. प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर. सर सर बचा लीजिए. या एजेंट किशोर इज डाउन. आई रिपीट, एजेंट किशोर इज डाउन. Police is here. Sir, Devaki Kishore ki hatya karke farar ho gaye. What? We missed her. Hello. Sir, main Devaki. Devaki, ye sab kya ho raha hai? Aur evidence kahan hai? Aur tumne Kishore ko kyun mara? Sir, Kishore ko main kaise maar sakti hu? He was my husband, my partner. बैकअप टीम मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही है? देवकी, वेयर आर यू? सर मैं स्पॉट पर हूं. वो सेफ जोन नहीं है. तुम वहां सेफ नहीं हो. अगर तुम पकड़ी गई तो हमारे अंडरकवर ऑपरेशन के साथ साथ तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो जाएगी. सो जस्ट लिसन टू मी, सेंड मी योर लोकेशन. मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए एक टीम भेजता हूं. कम टू सेफ हाउस, आई विल हैंडल दिस. What the hell happened? तौसिफ और किशोर को आखिर मारा किसने? पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? काशी, मेरी कंप्लीट आइडेंटिटी को इरेज कर दो. देवकी, देवकी मेरी बात सुनो. हेलो, हेलो. सॉरी माया, इतनी तकलीफ तुम सालों से अपने सीने में लेकर घूम रही हो. ओह माय गॉड, और ये सब मेरी खुशी के लिए किया. फिर भी कहती हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. इतना सब अकेले बर्दाश्त कर रही हो. भगवान जानता है कि मैंने तुम्हें कितनी तकलीफें दी हैं, कितना परेशान किया. I'm really sorry, Maya. You know what? I'm really proud of you, Maya. Proud of you. देवकी, कब तक इतना दर्द सहती रहोगी? कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये सब खत्म हो सके? हाँ माया, मुझे भी अब डर लग रहा है. प्रॉब्लम की शुरुआत उन लोगों ने की थी, लेकिन अब इसका अंत सिर्फ मेरे हाथों से होगा. सर, वो काशी था, हम पहचान नहीं पाए. आई एम सॉरी, उसने हमें फूल बनाया. क्या हमें?
नहीं नहीं सर, मुझे फूल बना गया। सर, आई फाउंड समथिंग। व्हाट? सर, काशी का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया है। उसने मुंबई से 3 फ्लाइट की टिकट बुक कराई है। अगले 30 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करो। yes, और सारी मुंबई की फ्लाइट्स को रोकने के लिए sure, जाओ। एयरपोर्ट पर जितनी सारी सीसीटीवी की फुटेज है ना, उन yes, सबको स्कैन करो क्विक। sure, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दो। यस सर। आई नीड हर इन एनी कॉस्ट। कम ऑन, लेट्स गो। What happened? Sir, इस लिस्ट में से कोई भी इस फ्लाइट में नहीं जा रहा है सर। What? एक बार फिर से चेक करो। I have already checked it, sir. इससे दूसरे पैसेंजर्स को तकलीफ होगी सर। Can we please take off the flight? You do your work. Okay, sir. Thank you. जानना चाहता हूँ लास्ट 1 घंटे में कितने प्लेन यहाँ से टेक ऑफ हुए हैं। 1 मिनट सर, मैं चेक करती हूँ। सर, इन लास्ट 1 आवर 3 फ्लाइट टेक ऑफ कर चुके हैं, चंडीगढ़, बैंगलोर और मुंबई के लिए। तीनों प्लेन्स में देव की नाम से कोई चेक की? यस सर, श्योर। ओ, यू आर राइट सर, शी हैज टेकन अ फ्लाइट टू बैंगलोर। इनके साथ आद्या और काशी भी चेक कीजिए। लेट मी चेक सर। ओ यस सर, ये तीनों एक ही साथ बैंगलोर के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। थैंक यू। सहना सर, मेक द अरेंजमेंट्स, वी आर फ्लाइंग टू बैंगलोर नाउ। ओके सर। ओके, बैंगलोर? लेकिन वो लोग बैंगलोर क्यों जा रहे हैं? सर, मेरे हिसाब से ये देवी का एजेंट अब कुछ गलती करने की संभावना नहीं छोड़ना चाहती। I think she is planning on something. ये तो मैं भी जानता हूँ। I know she is planning something, but what is she planning exactly? Ex-chief, तौसीफ और अपने पति किशोर को उसने ही मारा था। हमें जो एविडेंस चाहिए वो उसके पास ही है, और इस केस से संबंध रखने वाले अपने आखिरी इंसान वो हमारे एक्स-चीफ ही हैं सर। अगर वो उन्हें मारती है, so she goes clean. उसके बाद इस केस से जुड़ा कुछ भी बचने वाला नहीं है। मिस्टर बेलाकी, वो पहले उन्हीं की टीम में काम किया करती थी। यस, ही माइट बी हर नेक्स्ट टारगेट। तुरंत उनकी प्रोटेक्शन की व्यवस्था करो। गो फास्ट। यस सर। यस सर। बेलाकी हियर। ऑफिसर प्रताप हियर। माया आपको मारने के लिए आ रही है। हम बस केवल कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। बी वेरी केयरफुल। हेलो सर। हेलो। It's too late. Hello? Oh shit! Move! Devki, what is this? ये सब आखिर हो क्या रहा है, हाँ? ये सब मुझे पूछना चाहिए सर। ये सब क्या है? आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? क्या? मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ? You are one of the best agent of the department. लेकिन अफसोस वो चीज तुम कायम नहीं रख पाई। मैंने आपके कहने पर आपको तौसिफ की लोकेशन भेजी थी, लेकिन आपके एजेंट ने तो मुझे ही टारगेट बना लिया था सर। यस, ये सच है कि एजेंट मैंने ही भेजे थे, पर मैंने उन्हें तुम्हें मारने के लिए कभी नहीं कहा था। तुमने किशोर और तौसिफ को मार दिया, फिर भी मैंने अपने रिस्क पर अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए तुम्हें बचाने के लिए एक पिकअप टीम भेजी थी, पर तुमने क्या किया? मेरे विश्वास को तोड़ दिया, डिपार्टमेंट का नाम खराब किया और एविडेंस गायब कर दिया। क्या? मैंने एविडेंस गायब किए थे?
फाउंड हर सन। फाइनली माया कहूं या देवकी, वंस अपॉन अ टाइम ग्रेट अंडरकवर एजेंट, बट नाउ जस्ट अ वांटेड क्रिमिनल। आह, चलो कोई बात नहीं, सीधे पॉइंट पे आता हूं। वेयर इज द एविडेंस देवकी? ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम एक गलत इंसान को इंटरोगेट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये सब तुम्हें आता देखकर अपने आप मर गए क्या? बोलो। और बस नहीं केवल इनको मारा है, बल्कि डिपार्टमेंट को जिस एविडेंस की जरूरत थी उसे भी इतने सालों से अपने साथ लेकर घूम रही हो। सर, अगर मेरे पास एविडेंस होते तो आपको क्या लगता है कि आज मैं आपके सामने इस तरह से बैठी होती? यू थिंक आई एम अ फूल? यू थिंक यू आर इंटेलिजेंट? हाँ, ये सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं। येलो पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये देखो फॉरेंसिक रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट, और भी कुछ चाहिए? हाँ, लिसन टू दिस ऑडियो। सो जस्ट लिसन टू मी, सेंड मी योर लोकेशन, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए टीम भेजता हूँ। कम टू सेफ हाउस। हेलो हेलो देवकी, हेलो देवकी, वेयर इज द एविडेंस? यू थिंक यू आर स्मार्ट? नहीं, मुझे तो लगा था आप ही स्मार्ट हैं। व्हाट? Thank you.
बेस्ट एजेंट ऑफ आवर डिपार्टमेंट, लेकिन तुमने उस चीज को कायम नहीं रखा। मैंने उन्हें मारने के लिए तुम्हें कभी नहीं कहा था। सर वन क्वेश्चन, सर इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक्स चीफ का मर्डर जिसने भी किया है उसने बहुत घिनौना काम किया है। वी स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दिस शॉक। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने पहले ही एक स्पेशल टीम गठित कर दी है। हम जल्दी आपको अपडेट करेंगे। सर ISI, अलकायदा, तालिबान, लश्करे तोयबा ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश पर हमला कर चुकी है, तो क्या ये भी उनमें से एक है? क्या ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है? हमारे डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी बेस बहुत मजबूत है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। सर चीफ की तरह उनका अगला निशाना क्या कोई दूसरा पॉलिटिशियन या फिर कोई डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंट ऑफिसर या फिर कोई और हो सकता है? हम इस तरह की सभी संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ तो मिस हो रहा है। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी उन्होंने मुझ पर क्यों अटैक किया था। जो बैकअप टीम उस दिन आई थी, अगर कमिश्नर ने उसे परमिशन नहीं दी, गोली नहीं चलाना, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? पिकअप लोकेशन पर मेरी कार पर अटैक किया गया था। हम बहुत ही अब वो डिपार्टमेंट का चीफ बन गया है। ओके, प्लीज आप समथिंग इज रॉन्ग। मीट मी आउटसाइड। यस सर। क्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। काशी, मुझे अपने पुराने केस से जुड़ी हुई पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए। तुम्हारे पुराने केस की डिटेल? ठीक है, ट्राई करता हूं मैं। फाइनली तौसीफ की लोकेशन ट्रेस हो गई है। गेट अलर्ट, मूव। तौसीफ की लोकेशन ट्रेस हो गई है। अब उसे सेव करने के लिए हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सर, देवकी किशोर की हत्या करके फरार हो गई है। वी मिस्ड हर। व्हाट? सर, तुमने मीडिया के सवालों को सुना? मैंने जो विश्वास तुम पर किया था, तुम उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। सॉरी सर। मुझे सॉरी बोलने से काम होता तो मैं सुन भी लेता, लेकिन यहां मीडिया और डिपार्टमेंट को कौन सॉरी बोलेगा? सब यही सोचेंगे कि तुमने इंट्रोगेशन रूम से सस्पेक्ट को भागने में मदद की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सॉरी सर, मैं इसे चैलेंज समझकर सॉल्व करूंगा। चाहे वो कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढूंगा। जब तक उसे पकड़ोगे तब तक ना जाने हम डिपार्टमेंट के कितने लोगों को खो देंगे। डोंट यू नो शी इज टारगेटिंग आवर डिपार्टमेंट? प्रताप, एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट हर अरेस्टेड। यस सर। इस केस से जुड़ी सारी फाइलें मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, मैं उन्हें पर्सनली देखना चाहता हूं। सर। यू मे गो नाउ। पाटिल, जब देवकी तुम्हारे हाथ में आई तब उसे मारने के बजाय तुमने उसे हाथ से निकल जाने दिया। अगर वो आपके हाथ में आई होती तो हम उसे बहुत आसानी से मार देते, लेकिन वो डिपार्टमेंट के हाथ लगी। तो तुम भी अब ऐसी बात करोगे? तुम ही तो अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, चाहो तो शूटर साइड का ऑर्डर दे सकते हो। इस तरह से बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है। मैंने ही आपको कल उसके कैफे का लोकेशन भेजा था। मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया था कि वो बेलकी के घर जाने वाली है। आपने दोनों मौके गवा दिए और मुझसे सवाल कर रहे हैं। लिसन रूमी, हमारे पास अब वक्त बहुत कम है। अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट को वो एविडेंस हाथ लग गया तो मेरा पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ये मत भूलना कि इसकी वजह से तुम्हारा नाम भी दांव पर लग सकता है। बस मुझे उसकी मौत की खबर सुनी, उसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए। ए नवाज, मुझे धमकी दे रहे हो? यह मत भूलना कि डिपार्टमेंट का चीफ मैं हूं। भाड़ में गए तुम्हारे सबूत। मेरे लिए सबसे पहले उसका मरना जरूरी है। और मुझे कॉल मत करना जब तक मैं आपको कॉल ना करूं। देवकी, हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर ली है।
काशी, हमें यह आदमी चाहिए। ये? पर ये क्यों? तौसिफ के साथ इसे कई बार देखा गया है। यदि हम इसे पकड़ लेते हैं तो हम आसानी से बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। हाँ, ओके, मैं कोशिश करता हूं। अरे क्या कर रहे हो? कौन है आप लोग? इस आदमी को कैसे जानते हो? अरे लेकिन आप लोग कौन है और मुझे ऐसे लेके कहाँ जा रहे हैं? सवाल केवल हम लोग करेंगे, तुम्हें सिर्फ जवाब देना है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। सच बोलो। अल्लाह रहम कर, रहम कर। वो तौसीफ है, उसने कहा था वो अनाथ है और अक्सर मुझसे मिलने मेरे घर आता था। वो हमेशा आता और मेरी खैरियत के बारे में पूछता। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे कहीं और काम मिल गया है, इस वजह से वो यहाँ नहीं रुक सकता। उसने मुझसे कहा अब वो मेरे पास बाय पोस्ट लेटर भेजेगा, इसीलिए उसने मुझसे मेरा पोस्टल एड्रेस मांगा ताकि वो जो लेटर लिखता है उसे मेरे एड्रेस पे भेज सके। और तो और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो समय समय पे मेरे एड्रेस पे आता रहेगा और आगे चल के वो अपने लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए मेरे पास आता रहा जब भी उसे ज़रूरत होती। और आज भी जो अनाथ बच्चे हैं उनके जरिए लेटर मुझे आज भी मिलते रहते हैं। अगर लोग बहुत सारे अनाथ बच्चों को लिखकर तुम्हारे पास आते रहते हैं तो तुम्हें सिर्फ इसके बारे में ही क्यों इतना याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसने आना बंद कर दिया था लेकिन जो लेटर उसके नाम के आते थे वो अभी भी आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया था। कैसे लेटर, कहाँ से आते थे, कुछ पता है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, अक्सर उसके लेटर एक बैंक से अभी भी मेरे पास आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। सर ये रही मिस्टर वालेके की फॉरेंसिक रिपोर्ट। थैंक यू। दैट्स ओके सर। ये तौसिफ के अकाउंट और लॉकर डिटेल्स हैं। उसके लॉकर को डिजिटली अपग्रेड करने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशंस भेजे हैं। इसका मतलब है कि तौसिफ के नाम से सेंट्रल सेविंग बैंक में लॉकर ज़रूर होगा, बट यहाँ उसका लॉकर नंबर मेंशन नहीं है। केवल उसका लास्ट का अकाउंट नंबर 921 है और कुछ भी नहीं है। काशी, क्या हम इस अकाउंट्स की पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं? सहाना, मुझे देवकी के केस की रिपोर्ट फाइल चाहिए अभी। हाँ। देवकी, लुक एट दिस। जब मैंने डिटेल चेक किया तो मुझे चार लॉकर्स मिले, 81, 52, 18, 27। ये चारों लॉकर्स पिछले कई सालों से नहीं खुले हुए हैं, तो हमारा अनुमान सही था। इन चारों में से कोई एक लॉकर जरूर तौसिफ का होगा। ब्रिलियंट। बट वॉट? इन चारों में से तौसिफ का कौन सा लॉकर है ये कहना मुश्किल है। अब मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं ला सकता। वेट अ मिनट। नो देवकी, नो वे। आप तो पागल हो गए हैं क्या कि आईआईडी एविडेंस रूम में रखा जाता है? पूरा आईआईडी आप लोगों के पीछे पड़ा है और ऐसे हालात में की के लिए आईआईडी एविडेंस रूम में जाना,
इट्स सुसाइडल। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। माया, तुम्हें बचाने के लिए और हम सबको बचाने के लिए आई हैव टू टेक दिस रिस्क। माया मुझे डर लग रहा है। देवकी प्लीज एक बार फिर से सोच लो। सर ये रही वो फाइल्स जो आपने मांगी थी। ऐसी फालतू कमिट मेरे से मत करना। सर क्या है कि क्या है? सर मुझे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। उसे हाथ में आने के बाद भगा दिया और चाहते हो कि मैं तुम्हें क्लेरिफिकेशन दूं? क्या तुम मुझसे यहाँ पर यही पूछने आए हो? सर मैंने देवकी की पुरानी रिपोर्ट्स देखी। बैकअप टीम को आप लीड कर रहे थे ये मुझे पता नहीं था। यस सो व्हाट? सर प्लीज मुझे गलत मत समझिए, पर आपकी रिपोर्ट के अनुसार देवकी ने अपने पति को मारा है और फिर तौसीफ को मारा, जैसा कि आपने रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वो दोनों गोलियां किसी और की बंदूक से चलाई गई। तुम कहना क्या चाहते हो? सो बुलेट्स, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मुझे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे मैंने वैसे ही इन्वेस्टिगेट किया। एक्स चीफ ने ही हमें बताया था कि देवकी शूटर है। चाहो तो एक बार फिर से ऑडियो क्लिप चेक कर लो। सर इनफैक्ट वो ऑडियो एक बार आप भी क्यों नहीं सुन लेते? उसमें जो आवाज ने तुम्हारे कान पर शूट किया था या तुम्हारे सर पर? क्या तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो गया है? शी इज ट्राइंग टू फूल यू मिस्टर प्रताप, कांट यू सी दैट? करेक्ट है सर, वो चाहती तो मुझे जान से मार सकती थी लेकिन नहीं मारा। जिसने इतनी सटीकता से मेरे कान के कोने पर शूट किया उसके लिए मेरे सर पर मारना बड़ी बात नहीं थी, और उसके पास फुली लोडेड गन थी। सर एक्स चीफ को देवकी ने नहीं बल्कि किसी स्नाइपर ने बाहर से मारा है सर। क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो? कल एक्स चीफ थे और आज तुम भी हो सकते हो। शी इज नॉट टारगेटिंग इंडिविजुअल्स बल्कि पूरा डिपार्टमेंट उसका टारगेट है। वी कांट टेक एनी मोर चांसेस। अब मैं उस पर शूट एंड साइट का ऑर्डर करने जा रहा हूं। वो तुम्हें कहीं भी दिखे फौरन गोली मार दो। गॉट इट? समझ गए? यस सर। प्रताप जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स। सहाना। यस सर। सुनो मुझे प्रताप की हर एक एक्टिविटी की खबर चाहिए। यस सर। देवकी तुम ये गलत कर रही हो। लिसन टू मी, सरेंडर करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम अंदर तो आ गई पर यहां से बच के बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा। जस्ट से समथिंग। तुम्हें अपने सवालों के जवाब ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा, वह अब पुरानी बात हो गई है। लुक एट मी, आई एम द चीफ नाउ। ये क्या कर रही हो तुम? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर?
नो। क्या मुझे मार दोगी? नो, नॉट टुडे। What happened? Are you fine? देवकी ने मेरा एक्सेस कार्ड ले लिया है। जाओ देखो, वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही होगी। All fits quickly. Security, come in. She's in block A. Quickly. Move, move. Move. Move to block A. Upstairs. She's gone upstairs. Move. Move, move. एंट्रेंस की तरफ बढ़ रही है। एंट्रेंस ब्लॉक करो क्विकली। हरी अप यू डैम इट। कम ऑन हरी अप। प्रताप, सहाना, कहां हो तुम? ब्लॉक टू लिफ्ट की तरफ आओ और याद रहे, मुझे वो जिंदा चाहिए। देवे, इतने सालों से तुम लोग कहाँ थे? दुबई। एक्चुअली पहले दुबई में रहते थे और फिर कुवैत शिफ्ट हो गए। सही कहा। पर इतने सालों से आपने लॉकर का एक्सेस क्यों नहीं किया? दुबई में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए हम वहीं रहकर बिजनेस संभालते हैं। और मेरे पति के जाने के बाद हमने इंडिया आना लगभग बंद कर दिया था। खास मौके पर ही यहाँ आते थे, लेकिन आपका लेटर मिलने के बाद हमने सोचा कि आपसे आकर मिल लेते हैं। हाँ सर। कोई आईडी है आपके पास में? जी, एक मिनट सर। लॉकर की? ये रही सर, लॉकर नंबर 18। एटीन? हाँ सर। माया, तौसीफ का लॉकर नंबर 81 है।
और तुम 18 बता रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? आखिर तुम लोग करना क्या चाहती थी? थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, गिव मी द कीज। आदिया, स्टॉप स्टॉप। अदिति, Get out. अरे मैम, अरे ये क्या क्या कर रही मैम? मैम मेरी गाड़ी। अरे सुनिए, एविडेंस एविडेंस। पासवर्ड? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे पास सिर्फ एविडेंस है और कुछ भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। देखो, उसे कुछ नहीं पता। उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। हे, वो कुछ नहीं जानती, उसे छोड़ दो। उसे कुछ मत करो, मुझे सच में। प्लीज उसे मत मारो, छोड़ो उसे। कुछ भी पता नहीं है, कुछ नहीं जानती, छोड़ो उसे। पासवर्ड? हीरा। द पासवर्ड इज हीरा।
मेरे पिता तौसीफ को मारा, इसका मुझे जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। वो मेरी जान बचा पाते या नहीं बचा पाते मुझे नहीं पता माया, मुझे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। भले ही उन्होंने मुझे जन्म दिया हो लेकिन जीवन तो तुमने ही दिया है ना माया। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। I'm really proud of you, माया। सच्चा है जो भी हो, आप ही मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूं। हमेशा तुम मेरी ही माया रहोगी।
जिस दिन तुम मुझे मिले, मैं, मेरे लोग, मेरी आइडेंटिटी, सबका अस्तित्व मिट गया। तुम मेरे जीने की वजह बन चुकी थी, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी पहचान को छुपाते हुए भागती फिरी, अब इस चूहे बिल्ली के खेल को मैं खत्म करना चाहती हूँ। बस एक ही रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता माया? I have to get arrested. What? Yes. हमारी जिंदगी की खातिर और तुम्हारी सुरक्षा की खातिर मुझे सरेंडर करना ही होगा। नहीं माया, नहीं। हम कहीं दूर चले जाते हैं, जैसे इतने सालों से रहते आए थे, वैसे ही कहीं और चलकर रहते हैं माया। आदिया, आदिया, look at me. Look at my condition. I'm so tired, so wooden. मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, तुम्हें बचाने की ताकत नहीं है। उन्हें बस मेरी जरूरत है और इन एविडेंस की जरूरत है। ये सब खत्म करने का मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है। यस भैया जी, क्या आपके पास फोन है? जी, थैंक यू। माया, प्लीज डोंट डू दिस माया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। माया, माया प्लीज, नो नो। हेलो, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट? डिपार्टमेंट को जिस एविडेंस की जरूरत है वो मेरे पास है, मुझे भी अरेस्ट कर सकते हो, बट ऑन वन कंडीशन। हाँ बताओ। डिपार्टमेंट को मेरी बेटी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतने सालों से तुम बस भागी रही हो, और पता नहीं इस तरह से अचानक सरेंडर करने के लिए तैयार क्यों हो। मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? जब मैंने गोली चलाई थी, तुम्हारे कान के कुछ इंच की दूरी से निकल गई, चाहती तो तुम्हें मार सकती थी। क्या इतना काफी नहीं है मुझ पर विश्वास करने के लिए? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। What do you want me to do? मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। Make sure you will be there. माया, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? माया, मुझे बहुत डर लग रहा है। एविडेंस कहाँ है देव की? एविडेंस कहाँ है देव की? गुड। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब माया को छोड़ दो तुम। छोड़ दूं उसे? नो चांस। मोस्ट इंटेलिजेंट अंडरकवर एजेंट देवकी, अगर उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया होता तो आज मैं चीफ नहीं बन पाता।
तुमने जोश में तौसीफ को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका फायदा मुझे मिल गया। अगर तुमने उस दिन उसे नहीं मारा होता तो उससे डिपार्टमेंट को एविडेंस मिल गया होता और उस एविडेंस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा ही था। इस तरह से मौके का फायदा उठाकर मैं इस लेवल तक पहुंचा। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है देवकी। थैंक यू एंड गुड बाय। देवकी ड्रॉप द गन। देवकी देवकी शूट मत करना। माया नो माया नो देवकी नो देवकी देवकी डोंट शूट रुको देवकी शूट हिम ड्रॉप द गन प्रताप शूट हिम देवकी लिसन टू मी प्रताप शूट करो गन शूट करो देवकी डोंट फोर्स मी टू शूट यू शूट हर देवकी माया नो माया माया उठो प्लीज माया प्लीज माया 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 उठो प्लीज माया माया सर। देव की केस फाइल्स। गुड जॉब प्रताप। थैंक यू सर। प्रताप मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए बात करूंगा। हेलो नवाज। केस खत्म हो गया है। एविडेंस लेकर जाने का इंतजाम करो। तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया। पाटिल मुझे बता दो कहाँ है। मैं लोकेशन भेजता हूँ। बदले में मुझे 5 करोड़ चाहिए। 5 करोड़ चाहिए? इतने पैसे? एविडेंस की कीमत। ये क्या कह रहे हो तुम पाटिल? नवाज एविडेंस मेरे पास है और मैं ही डिपार्टमेंट का चीफ हूँ। मैं जो भी करूंगा वो लीगल होगा। ओके पाटिल कहाँ आना है ये बताओ। अगर आप कहें तो। अभी उसके लिए सही वक्त नहीं आया है। पहले डील पूरी कर लो उसके बाद मैं देख लूंगा। Under arrest. What nonsense? क्या तुम लोग भूल गए कि मैं तुम्हारा चीफ हूं? मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता हूं।
मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? सर आपको याद है आपने मुझे ऑर्डर दिया था और मैंने उसे पकड़ा भी, लेकिन आपका इंटेंशन गलत था। मुझे कान पर शूट करने के बाद देवकी माया भाग गई, पर मेरा इंटेंशन सही था और मैंने खुद आपको पकड़ा। वो मेरा ऑर्डर था। आप मुझे शूट करने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं और नहीं यहां से निकलने की, क्योंकि आप देवकी नहीं हो। प्रताप, ये मत भूलो कि तुम जिस डिपार्टमेंट में एक एजेंट हो उस डिपार्टमेंट का मैं चीफ हूं और तुम अपने चीफ से बात कर रहे हो। एक मिनट। हां सर, जरा ये देखिए। अब बताइए, जैसे कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। पाटिल मुझे बता दो कहां आना है, मैं लोकेशन भेजता हूं, बदले में मुझे 5 करोड़ चाहिए। प्रताप, मैं एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और तुमने आकर सारा काम बिगाड़ दिया। और वैसे भी तुम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्या साबित कर लोगे? सर, लगता है आप भूल रहे हो, उसने बस मेरे कान के साइड में शूट किया था, दिमाग पर नहीं। सो आई हैव समथिंग टू शो यू। क्या है ये? फर्स्ट पेज, फोर्थ रो। ये तो तौसीफ के ट्रांजैक्शन लिस्ट है। प्रताप, मुझे अरेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, इन सब के पीछे किसी और का ही हाथ है। एंड यू नो व्हाट, तुम उन तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। सर, सर, तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे मिला? सर, गेम ओवर। नो 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 नो, इट्स इम्पॉसिबल, गॉड डैम इट। देखो बेटी, हेलो देवकी, आई नो यू आर इनोसेंट। देन डू मी अ फेवर सर। सर, हमें यहां क्यों लाए हैं सर? प्लीज सर, छोड़ दीजिए। तुम लोगों में से डायरेक्टर कौन है? मैं हूं सर डायरेक्टर। पिक्चर बनाने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? हाँ सर। तो चलो, अब क्लाइमेक्स शूट करने का टाइम आ गया। माया, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? माया, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। गोली तो चलेगी, लेकिन कोई मरेगा नहीं। क्लाइमेक्स बहुत ही कमाल का होने वाला है। ठीक है सर। सर, प्लान काम कर गया, पाटिल आ रहा है।